मदरसा चौक पर पहुंचे तो वहां पर 20-25 लड़के सफेद ड्रेस में खड़े हुए थे और उनको हाथ जोड़कर मैंने कहा कमलपुर को वोट कीजिए, तो मेरी कहलर पकड़ी गई, मुझे मारने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने और मेरे सुरक्षा कर्मी ने बीच बचाव कर मुझे घसीट कर ले गए और मदरसे में जाकर हमने शरण ली। अगर हम मदरसे में नहीं जाते तो शायद हमारे साथ क्या होता इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मदरसे में हमारे लिए दुआ भी की गई। जो हमला करने वाले लोग हैं जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, अनवर ढेबर, राजाज ढेबर, उन लोगों के गुर्गों द्वारा, और जो रायपुर की फिजा बिगाड़ने के लिए 500 से ज्यादा गुंडे बदमाश रायपुर में आए हुए, उनके द्वारा किया जा रहा है। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है हम धरने पर बैठे। देखिए सर्वमान्य नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और आज जब वो अपने प्रचार के लिए बैजनाथ पारा से निकले तो असामाजिक तत्वों ने उन पर आक्रमण किया। भाजपा पहले से ये बात कर रही है कि भाजपा के लोगों पर टारगेट क्लिक हो रही है और ये टारगेट आक्रमण है कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रचार ना कर सके। बाहर से आए हुए असामाजिक तत्व और यहाँ के लोगों को प्रलोभन देकर कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, वो डरने वाले नहीं है और रायपुर शहर में अशांत नहीं होने देंगे। हम पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ऐसे क्षेत्र का सघन जांच होनी चाहिए, असला बारूद और शस्त्र भी हो सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर हमला किया गया है। वो अपनी सभा में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उनकी कालर पकड़ ली और उन पर हमला किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको साथ मिलकर के उन्हें तुरंत एक मदरसे में ले गए जहां उन्होंने छुपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता रायपुर के पुलिस कोतवाली थाने पहुंचे हुए हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बात का बहुत आक्रोश है कि जो 7 बार से रायपुर दक्षिण से विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिनकी जनता में एक लोकप्रियता है, ऐसे लोकप्रिय नेता के ऊपर जब हमला हो रहा है तो बाकी आम जनता की क्या स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी जो है इस मामले को लेकर स्वयं बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जो है सिटी कोतवाली थाने के सामने बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में जो है राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।